हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखे विजय सिन्हा। बिहार में सरकार बदलते ही विधानमंडल की तस्वीर बदल गई है। पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे वो अब उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है, वहीं पहले स्पीकर की भूमिका में जो थे अब वो नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार और सभापति पर मनमानी का आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष सदन से बाहर निकलकर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि सदन के अंदर आज नए अध्यक्ष का चयन हुआ है। हम लोगों ने संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद का सम्मान किया है और उस सम्मान को बरकरार भी रखा है। हम लोगों के करनी और कथनी में अंतर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी मिलकर अब भ्रष्टाचार करेंगे। अगली खबर, राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पूर्वे बिहार विधान परिषद में निर्विरोध उपसभापति चुने गए। विधान परिषद में जदयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर पहले ही सभापति चुने जा चुके हैं। 75 वर्षीय रामचंद्र पूर्वे इस अवसर पर विधान परिषद में बोलते हुए लालू प्रसाद के 33 वर्षीय पुत्र तेजस्वी यादव को अपना भाई बताया। विपक्ष की तरफ से उनको टोका भी गया, लेकिन रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव उनके पुत्र समान नहीं बल्कि भाई समान है। रामचंद्र पूर्वे लालू प्रसाद की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में सहारा इंडिया के खिलाफ किन्नरों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे किन्नरों ने कार्यालय के बाहर जमकर प्रोटेस्ट किया। सड़क जाम करके मैनेजर को बंधक बना डाला, इसके बाद उसे नचवाया गया, साथ ही साड़े भी उड़ाई गई। मामला जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित जूरन छपरा मेन रोड का है। यहाँ पर किन्नरों ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया, कार्यालय को बंद करा दिया गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जूरन छपरा से लेकर ब्रह्मपुरा तक सड़क पूरी तरह से जाम हो गई, कई वाहनें इसमें बुरी तरह से फंस गई। अगली खबर, गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से बिहार में बिगड़ सकते हैं हालात। चंबल और सोन का पानी लाएगा बर्बादी। उत्तर बिहार में इस बार कोसी, गंडक और अन्य नदियों में बाढ़ की स्थिति पिछले साल की तरह गंभीर नहीं हुई, लेकिन यह कसक गंगा पूरी कर सकती है। मॉनसून के लौटने से पहले गंगा बिहार में बिकराल रूप लेने को तैयार दिख रही। फिलहाल सोन नदी के बढ़ते जलस्तर और यमुना के रास्ते चंबल नदी से आ रहे पानी के कारण गंगा बिहार में रौद्र रूप लेते जा रही है। बिहार में गंगा का प्रवेश बक्सर के रास्ते होता है। बक्सर में बस कुछ घंटों में गंगा का पानी खतरे के निशान को पार कर सकता है और इसका असर पटना होते हुए भागलपुर तक दिखेगा। अगली खबर, ललन सिंह ने बीजेपी को बताया वाशिंग मशीन। कहा 2024 में हमारी ताकत का केंद्र को हो जाएगा अंदाजा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा एक पार्टी नहीं बल्कि वाशिंग मशीन है, कितने भी दाग लगाकर उसमें घुस जाइए आपके सारे दाग धुल जाएंगे। ललन सिंह ने यह भी कहा कि आज पूरे देश में नफरत का माहौल कायम है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी, तब हमारी ताकत का अंदाजा उनको लग जाएगा। अगली खबर, भागलपुर के सवाना दाऊद बनाई गई जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्ष। नौगछिया के नए SDPO सुमित कुमार। जदयू नेत्री सवाना दाऊद को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पटना के कर्पूरी सभागार में सवाना दाऊद को पत्र दिया गया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सलीम परवेज ने उन्हें पत्र दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उपस्थित लोगों को बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने एवं मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। अगली बड़ी खबर, अगर अगली बार आपके हाथ में कोई 2000 या 500 रुपए के करारे नोट पकड़ाए तो एक बार ठीक से जांच जरूर कर लें। बिहार में जाली नोटों का धंधा अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। भोजपुर पुलिस ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र में जाली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। साथ ही गिरोह के 3 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जालसाजों के पास से पुलिस ने 6,36,000 मूल्य के 500 रुपए के जाली नोट जब्त किए। जालसाजों के साथ पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और एक स्कैनर मशीन बरामद की है। गिरोह इन नोटों को ग्रामीण इलाके में भेज देते थे। भोजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी और जाली नोट अधिनियम में केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर, बिहार के लाखों लोग विदेशों में रहकर बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और अरब के NRI लोगों ने बिहार में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग की है और आंदोलन के मूड में है अबू धाबी में अप्रवासी बिहारी। आपको बता दें कि विदेश में रहने वाले बिहारियों को इस बात का दुख है कि उन्हें आज भी अपने घर जाने के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं है। वो एक या दो जगहों पर विमान बदलकर अपने घर पहुंचने को मजबूर हैं। प्रवासी बिहारियों ने अपना यह दर्द अबू धाबी में आयोजित जन्माष्टमी समारोह के दौरान बयां किया। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान आदि देशों में रहने वाले अप्रवासी बिहारी इस उपेक्षा से तंग आकर आंदोलन करने के मूड में हैं। चरणबद्ध आंदोलन में अपने अपने जिला प्राधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद पटना हवाई अड्डा,
प्राधिकरण से इस विषय पर विचार करने का काम भी किया जाएगा। अगली खबर सारण से। सारण के निर्दलीय विधान पार्षद सचिदानंद सिन्हा ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 में महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे और ये भी कहा कि पार्टी ने अगर टिकट दिया तो सही, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकूंगा। विधान पार्षद सचिदानंद राय ने छपरा में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और मसरक के बैरोली पंचायत में मुखिया अजीत सिंह के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये ऐलान किया। अगली खबर बिहार में शिक्षकों की भर्ती। सुपौल में सातवें चरण में 2474 शिक्षकों की होगी बहाली। जिले में सातवें चरण में 2474 पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी। सुपौल में छात्र अनुपात में इस बार शिक्षक के पद भरे जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक में 987 सीट जो है चिन्हित किए गए हैं, जबकि कक्षा 6 से 8 तक में विषयवार 1487 सीट पर बहाली संभावित है। इन सीटों में छठे चरण की बची सीट भी शामिल की गई। अगली खबर जमुई जिले के खैरा थाना इलाके के मांगे चपरी गांव में बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में डकैती की घटना को अंजाम देते हुए 12 साल के एक लड़के को अगवा कर लिया। अगवा लड़के का नाम अरुण कुमार है जो कि 8वीं का छात्र है। डकैती और अपहरण की घटना को अंजाम देने के दौरान अपराधियों ने 3 बम चलाकर दहशत भी फैलाया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की है। जानकारी के मुताबिक देर रात लगभग 1 बजे मांगे चपरी गांव के शैलेंद्र सिंह के घर से 8 से 10 की संख्या में अपराधी घुस गए और मारपीट करते हुए 50,000 नकद और आभूषण लूटने के बाद 12 साल की अरुण को साथ लेकर चले गए। इस मामले में शैलेंद्र सिंह के पीड़ित परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों के साथ अज्ञात पर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि देर रात पहले एक अपराधी घर की चारदीवारी फांदकर अंदर घुसा और मेन दरवाजा खोलकर अपने साथियों को अंदर बुला लिया। अगली खबर बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सृजन घोटाले के आरोपी की करोड़ों की जमीन की गई जब्त। ईडी की टीम ने बिहार के बांका जिले में बड़ी कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के पुराने मामले में अलग अलग प्रखंड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए ईडी ने काली कमाई से अर्जित संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर अपना बोर्ड लगा दिया। बांका जिला के बौंसी स्थित सिराय मौजा में सृजन घोटाले के अभियुक्त और बांका की तत्कालीन भू अर्जन प्राधिकारी जय श्री ठाकुर के 3 भूखंडों जो करीब 11 एकड़ का बताया जा रहा है। इस भूखंड में जय श्री ठाकुर के साथ ही उनके भाई जयशंकर ठाकुर का नाम भी बताया जाता है। अगली खबर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के मामले में बिहार ने बनाया नया रिकॉर्ड। आपको बता दें कि बिहार में गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने वाले बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने देश में एक और भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने 10 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन करने का आंकड़ा पार कर लिया है। बिहार में 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर का आंकड़ा पूरा होने पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने खुशी जाहिर की। तो वहीं BSPHCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने कहा कि उपभोक्ताओं और इंजीनियर के अलावा पावर होल्डिंग कंपनी में काम करने वाले सहयोगी काफी मददगार बन रहे, जिसके लिए ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने नदी मर्ग नरसंहार केस फिर से खोला। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने पुलवामा के नदी मर्ग में हुए कश्मीरी पंडितों का नरसंहार केस दोबारा खोलने का आदेश दिया है। नदी मर्ग में 23 मार्च 2003 की रात को सेना की वर्दी पहनकर आए लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने 24 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनमें 11 महिलाएं और 2 साल का बच्चा भी शामिल था। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस धर ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि केस की सुनवाई में हो रही देरी के बाद प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट से कमीशन के जरिए गवाहों के बयान लेने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि ये गवाह कश्मीर छोड़ चुके थे और डर के कारण शोपिया में निचली अदालत के सामने पेश होने से हिचक रहे थे। इसमें खुलासा किया गया कि कश्मीरी पंडितों के इस नरसंहार में आतंकियों के साथ कुछ स्थानीय लोग भी मिले हुए थे। अगली खबर युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश में नौकरी की योग्यता रखने वाले युवा पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 48% युवा रोजगार के काबिल हैं। पिछली रिपोर्ट में यह आंकड़ा 45% था। रोजगार के काबिल युवाओं में आधे से अधिक यानी 52% महिलाएं जबकि 46% पुरुष हैं। महाराष्ट्र और यूपी के युवा रोजगार की योग्यता में सबसे आगे हैं। देश भर के 3 लाख उम्मीदवारों के बीबॉक्स नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट और 15 से ज्यादा उद्योगों से जुड़ी 150 कंपनियों पर किए गए इंडिया हायरिंग इंटेंट सर्वे के आधार पर ये नतीजे निकाले गए। देश की कामकाजी आबादी में अभी 67% पुरुष और करीब 33% महिलाएं शामिल हो गई है। तो दोस्तों बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।